हाँ ठीक है, थ्री पॉइंट से बी इक्वल टू माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, यस सर, ठीक है, कॉमा माइनस कॉस बीटा कॉमा, और ये सर ये अल्फा नहीं होगा सर वहां पे, यहाँ बीटा माइनस अल्फा नहीं है, नहीं सर सिर्फ बीटा है सर, कॉस थ्री कॉस बीटा कॉमा क्यू इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस अल्फा और सर साइन बीटा एंड आर इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कॉमा साइन बीटा माइनस थीटा, ठीक है यही ना, yes, यही हाँ ठीक है। ए देखिए सबसे पहला चीज, आपको ये जो ऑप्शन दिया इसके बेसिस पे इतना कंफर्म हो गया कि कोलिनियरिटी के कंडीशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है सबसे पहले, yes, तो मेरे पास जैसा दिया है हम केवल इसके बारे में पूछेंगे कि थीटा बोला ग्रेटर देन जीरो लेस देन कुछ नहीं बोला, और अल्फा बीटा बोला ये देखिए क्या लिखा है इसको समझिएगा, थीटा अल्फा बीटा लाइज जीरो से पाई बाई फोर, समझ में आया क्या बोला, ठीक है इस स्टेटमेंट का वही मीनिंग है, ठीक तो सब पॉजिटिव में चलेगा। पहला कंडीशन हम लोग ये देखे ना पी क्यू आर मेरा कोलिनियर है कि नहीं, अब देखिए इसमें अगर कोलिनियर नहीं है ये ठीक है ये चीज चेक करना होगा या फिर पी लाइज और आर क्यू, तो देखिए क्या करेंगे अगर आर क्यू है ऐसे मिला है यहां कहीं P होगा तो इससे क्या फायदा, इससे ये ना कि स्लोप ऑफ RP दैट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ PQ, ठीक है स्लोप ऑफ RP इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PQ, आप इसमें से अगर चेक किए ये सेटिस्फाइड कर गया यानी PQR कैसा है कोलिनियर, ठीक है PQR कोलिनियर। अब कौन किसके ऊपर लाई कर रहा है वो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, देखते हैं ठीक है। अभी जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है x कोऑर्डिनेट मेरे पास ठीक है y कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो कौन कहां एग्जिस्ट करेगा कैसे एग्जिस्ट करेगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान दीजिएगा इस माइनस को अगर हटा दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है yes, sir. ठीक है अगर यहां पे हम बीटा माइनस अल्फा लिखे या अल्फा माइनस बीटा लिखे कोई फर्क नहीं, ठीक है इस जगह पे अगर हम नेगेटिव बाहर निकाले ठीक है कहने का मतलब है इसमें से माइनस तो वो थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऐसा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं नहीं तो बाद में यूज भी कर सकते हैं। अब दूसरा चीज थीटा केवल आर में है, थीटा केवल आर में ठीक है इसका मतलब है इन दोनों के सेक्शन को आर डिवाइड करेगा, इतना पता चल गया इन दोनों के सेक्शन को आर डिवाइड करेगा, अगर कोलिनियर हुआ तो इन दोनों के सेक्शन को आर डिवाइड करेगा, देखा जाए पहले ये चीज चेक किया जाए ठीक है। RP तो RP का स्लोप y2 माइनस y1 तो साइन बीटा माइनस थीटा ये
cos बीटा, और डिवीजन में मेरे पास आया x2 माइनस x1, यानी कि cos बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस ये टर्म। तो उसको अगर हम प्लस कर दें, ध्यान से देखते चलिए क्या लिख रहे हैं, तो उसको कह सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अब ये पूरा पार्ट क्या बोले यहाँ पूछना था सर, जब स्लोप ही बोले तो जरूरी थोड़ी ना कि कोलिनियर ही होगा, पैरेलल लाइन भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होगा ना कि स्लोप जैसे हम लोग देखेंगे चेक करेंगे तो वो पैरेलल हो सकता है या फिर है ना कोलिनियर हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिए और ये सेटिस्फाइड कर गया, दिखाएंगे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिया और ये सेटिस्फाइड कर गया, तो वैसे केस में तो आप बोलेंगे ना कि एक ही लाइन पे तीनों है। yes, तो वही चीज, पहला तो हमको ये चेक करना होगा कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं, और तब उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। चलिए ठीक, इतने के बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे PQ, P और Q, ये है P और Q, तो यहाँ Y2 minus Y1, sin beta, और plus, ये आ गया cos beta, इसके division में X2 minus X1, तो cos, alpha minus beta, और minus, तो ये plus कर देंगे, ध्यान रखिएगा, sin beta minus alpha, ये लिख दिया गया। अब इसमें हम लोग को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करके और इसके रिलेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्या है, साइन सी प्लस कॉस डी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन सी प्लस कॉस डी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करें, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके सोचिए। तो मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे ना, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर बीटा माइनस थीटा इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कम उम्मीद है कि कुछ कैंसिल होगा क्योंकि बीटा माइनस थीटा है नहीं, ठीक है, बीटा माइनस थीटा कहीं पे है नहीं, ये चीज। तो देखिए, अच्छा यहां पे कॉमा दिया था कि ग्रेटर लेस भी दिया था, कॉमा दिया है सर, ग्रेटर लेस कुछ नहीं सर। ठीक, देखिए इसके लिए अब हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन बीटा माइनस थीटा और इसके साथ में प्लस कॉस, तो कॉस को हम चेंज कर दिए साइन, और ये बीटा जो है ना ये बदल गया पाई बाई टू माइनस बीटा, समझ रहे हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एंगल दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस कॉस, ठीक है। और डिवीजन में मेरे पास थोड़ा लेंदी जाएगा ये, हाँ ये कॉस कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और इसके साथ इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस, तो प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये मिल गया। अब देखिए ऊपर साइन सी प्लस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, होगा ऊपर टू साइन सी प्लस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू, तो आप कह सकते हैं पाई बाय फोर माइनस थीटा, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, और इसके साथ कॉस कॉस सी माइनस डी, तो इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो मेरे पास आएगा पाई बाई फोर, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ, और माइनस बीटा और प्लस थीटा बाय टू, ये नहीं बाय टू, ये बाय टू, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या कह सकते हैं कि कॉस सी प्लस डी बाय टू, तो देखिए क्या कैंसिल होगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस, तो कह सकते हैं पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, और इनटू कॉस सी माइनस डी, इसमें से इसको या इसमें से इसको किसी को भी, ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा, में से माइनस किए बीटा, में से माइनस किए प्लस अल्फा, ठीक है, और इसमें से माइनस किए तो माइनस थीटा हो गया, और इसके बाई टू, तो देखिए कैंसिल होने वाला कोई टर्म नहीं दिख रहा, क्या कह सकते हैं पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस बीटा, फिर क्या कह सकते हैं प्लस अल्फा, उसके साथ में क्या आएगा माइनस थीटा बाई टू, इतना बड़ा एंगल आएगा, ठीक है। देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि लेंदी है, ठीक है, लेंदी है, तो यहां से लिखा जा सकता है क्या, पाई बाई फोर माइनस सब्ट्रैक्ट किए थे बीटा, यहां से प्लस अल्फा,
और इसके साथ माइनस थीटा बाई टू, ये एंगल। अच्छा अब इसमें से आपको ये समझना होगा कि पाई बाई फोर से छोटा है अल्फा, थीटा और बीटा, तो जहां पे भी पाई बाई फोर प्लस आया या पाई बाई फोर माइनस आया उस जगह पे आप केवल एंगल को पॉजिटिव एंगल कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कह सकते हैं। ये एक टर्म हुआ, एग्जैक्टली वही चीज इधर भी किया जाएगा और फिर कैंसिलेशन कर सकेंगे हम लोग, तब जाके कैंसिलेशन हो पाएगा। दिखाते हैं आपको आरएचएस पार्ट, आरएचएस पार्ट, तो इसको लिखे हम लोग साइन और इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन बीटा प्लस साइन पाई बाई टू माइनस बीटा, और इसके डिवीजन में ये कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिख रहे हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस बीटा प्लस अल्फा। ये फिर से लगा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यूज किया क्या जा सकता है, यहां से टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सिंपल पाई बाई फोर, और इंटू कॉस सी माइनस डी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सी माइनस डी बाई टू माइनस बीटा। ठीक है, और डिवीजन में कॉस सी प्लस कॉस डी, तो टू कॉस सी प्लस डी, ठीक है, दोनों को एड कर रहे हैं बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस बीटा प्लस अल्फा, एक एंगल, और इसके साथ कॉस कॉस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो अल्फा भी कैंसिल बीटा भी कैंसिल, बचा कितना पाई बाई फोर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर भी वन बाई रूट टू, वो दोनों कैंसिल हो गया, जो बच गया टर्म, ठीक है, जो बच गया टर्म वो इसके साथ इक्वेट होगा। ठीक है, इसके साथ इक्वेट होगा, तो ये टर्म देखिए एंगल ऐसा एंगल कहीं है इसमें पाई बाई फोर माइनस बीटा, नहीं नहीं सर, पाई बाई फोर माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये भी नहीं, चलिए इतना नोट करेंगे फिर उसके बाद इसके आगे सॉल्व करते। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी देखते चलिएगा, स्लोप निकालना है, खुद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, मगर ऐसे ही काफी लेंथी होगा, करना तो यही तरीका है, यही कह सकते हैं इसमें। देख ये जो मिला, ठीक है, अब एक बार आप इसको है ना जरूर देख लें कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, तो टू साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, इसके साथ इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस बीटा प्लस थीटा बाई टू, ऐसा, और इसके डिवीजन में मेरे पास है टू कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा बाई टू। अच्छा, ये पार्ट आया, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से मिला आप लोगों को कॉस पाई बाई फोर माइनस बीटा, और इसके डिवीजन में कॉस पाई बाई फोर माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये चीज। ठीक है, देखिए ये पार्ट जो है ना, ये ध्यान से देखिए, अब क्या है कि हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट होगा तो काफी लेंथी आएगा। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलते हैं, ध्यान से, पाई बाई फोर माइनस बीटा, पाई बाई फोर माइनस बीटा के साथ थीटा बाई टू अल्फा, थीटा बाई टू अल्फा, ध्यान रखिएगा किस पे ध्यान दे रहे हैं, अब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, अब थ्योरेटिकली, ध्यान से। अच्छा, दूसरा एक और चीज देखिए, पाई बाई फोर माइनस बीटा, पाई बाई फोर माइनस बीटा, ठीक है, और उसके साथ में एडिशनल कौन दिखा हम लोग को यहां पे, अल्फा माइनस थीटा बाई टू, अल्फा माइनस थीटा बाई टू, क्या है, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, दोनों जगह से देख रहे हैं एक टर्म निकल रहा है। ठीक है, अगले पे आते हैं, यहां देखिए साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू और यहां पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, केवल एंगल्स पे अब हम लोग डील करेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करने जाएगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम आपको समझा रहे हैं पूरा का पूरा टर्म,
हर एक पार्ट को यूज कर लिए, एंगल्स आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अल्फा रिलेटेड टू थीटा बाई टू, अल्फा रिलेटेड टू थीटा बाई टू, ठीक है, और थीटा बाई टू रिलेटेड टू पाई बाई फोर, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए पाई बाई फोर से रिलेटेड अल्फा बीटा थीटा तीनों है, मगर थीटा बाई टू रिलेटेड है, थीटा बाई टू रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? ठीक है, इसका मतलब यह है ना कि यहां पे थीटा, ठीक है, थीटा बीच में होगा, अल्फा और बीटा इधर होगा, थीटा बीच में होगा, अल्फा और बीटा इधर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, थीटा बीच में कहीं होगा और अल्फा बीटा इधर एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा एक और है, दूसरा एक और कंडीशन है, ध्यान से, थीटा जो है ना, थीटा इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा किसको? अल्फा और बीटा को। ध्यान से देख लीजिए कंडीशन क्या है, ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करने से बच जाएंगे, नहीं तो आप इस पैटर्न पे लेके चले, पूरा सॉल्व करें, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आता है, आपको रिलेशन मिलेगा। यहां पे जो कॉन्सेप्चुअल बात है उसको देखिएगा, उसके बाद हम इसी चीज को दूसरे सेक्शन फॉर्मूला से दिखाएंगे भी अभी सामने। ठीक है, अभी क्या है, मेरा जो कैलकुलेशन हुआ किसके बेसिस पे, कोलिनियरिटी स्लोप इक्वल करके जो कैलकुलेशन किए, जब ऐसा रिलेशन आया तो हर एक एंगल पे ध्यान दीजिए, आपको पता चला अल्फा रिलेटेड टू थीटा बाई टू और थीटा बाई टू रिलेटेड टू पाई बाई फोर। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और एक कांस्टेंट एंगल को थीटा डिवाइड कर रहा है, थीटा बाई टू है तो थीटा डिवाइड कर रहा है एक अल्फा को और एक कांस्टेंट एंगल को। अब ये कांस्टेंट एंगल में भी बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को पता चला कि जो पी क्यू आर था वो कोलिनियर है। पी क्यू आर कैसा? कोलिनियर है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, समझे आदित्य? वो पैरेलल वाला जो केस था, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इस कारण से वो क्या बन गया? कोलिनियर हो गया, कोलिनियर बन गया। ठीक है, चलिए इसमें आप बस इतना लिखे, आप इसके नीचे लिखिए कॉन्सेप्चुअली, बस एक लाइन हम लिखवाएंगे, लिखिए कॉन्सेप्चुअली अल्फा रिलेटेड टू थीटा बाई टू, अल्फा रिलेटेड टू थीटा बाई टू एंड एंड थीटा बाई टू रिलेटेड टू एंड थीटा बाई टू रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट एंगल, रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट एंगल कॉन्स्टेंट एंगल बीटा और पाई बाई फोर, बीटा और पाई बाई फोर। ठीक है, लिख लिया उतना, देयरफोर उसी में लिखेंगे, देयरफोर देयरफोर थीटा डिवाइड्स अल्फा एंड बीटा, देयरफोर थीटा डिवाइड्स अल्फा एंड बीटा। चलिए वो खत्म हो गया, वो मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन लिखे थे ना, पी क्यू आर को लीनियर। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन सर नॉन कुछ नहीं लिखा हुआ सर, ऑप्शन है सर, क्या चीज में सर, ऑप्शन में सर लिखा हुआ था पी क्यू आर नॉन कोलिनियर, पी क्यू आर नॉन कोलिनियर, यस सर। तो अभी तो कोलिनियर वाला ना बोले थे, डी ऑप्शन जो हम लिखे थे यहां, डी डी जो था वो कोलिनियर ना दिखाए थे, अच्छा ठीक, रुकिए आदित्य आवाज आ रहा है, आरबी सेंटर तो आप हमको ऑप्शन लिखाए थे कोलिनियर ना? नहीं सर, पी क्यू आर और नॉट कोलिनियर लिखा था सर, आपको वही लिखा था पी क्यू आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। यस सर। अच्छा, तो हम क्या कोलिनियर लिखे थे? यस सर, ऑप्शन में सर आपको नहीं लिखे थे सर। अरे जो बना है थोड़ा पर सर, चलिए कोई बात नहीं, चेक हो जाएगा तब, जब क्वेश्चन ही गलत हो गया उस समय तो फिर उसके बाद अब पूरा कॉन्सेप्ट ही जाएगा। देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, रुकिए। ठीक है, डी में क्या है? नॉन कोलिनियर ना, चलिए कोई बात नहीं, आर आर देखते हैं, आर पॉइंट को थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती हुआ था तो बोलना चाहिए था ना, यहां से कॉस ए प्लस बी में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, कॉस ए प्लस बी में ब्रेक कर रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए
इनटू साइन बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए माइनस बी में ब्रेक करते हैं, तो साइन ए इनटू कॉस बी माइनस कॉस ए इनटू साइन बी, ये पॉइंट है, ठीक ना। कर ली इसलिए डाल दिए क्योंकि छोटा छोटा ब्रैकेट यूज हुआ, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आइए इससे, ठीक है, 4P x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके बराबर, साइन साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर, साइन अल्फा माइनस बीटा। इससे क्या फायदा होगा ना, दिखा रहे हैं आपको, देखिए जहां साइन अल्फा माइनस बीटा दिखेगा वहां पे x ऑफ p लिख सकते हैं हम, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब वो देखिए वो आपको यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, तो वहां हम x दिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं। और y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है मेरे पास, y कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू माइनस cos बीटा, माइनस cos बीटा, छोड़ दीजिए। सेम वही चीज q से, फॉर q, q से x कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल्स टू, अब सेक्शन फार्मूला पे होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, सेक्शन अब स्लोप नहीं, फॉर q, q के लिए x कोऑर्डिनेट कितना लिखा, cos अल्फा माइनस बीटा, और इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना लिखा, sin बीटा, ठीक है। अब मेरा एक अटेम्प्ट है कि इस p का जो भी x और y कोऑर्डिनेट है, मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री दिया वहां पे हम ऐसा x कुछ पुट करें, किस में, r में, तो इन r, इन पॉइंट r, देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए क्या लिख सकते हैं, cos बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट ऑफ q लिख सकते हैं, नहीं इसके जगह, इसके, अरे आप इस बात पे मत फंसिए ना, cos बीटा माइनस अल्फा, cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए यहां पे अगर बीटा माइनस अल्फा दिया और मेरा यहां दिख रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों सेम है, तो इसके जगह पे हम x कोऑर्डिनेट ऑफ q लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, ये आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाइड कौन, cos थीटा, देखिए यहां कहीं भी मेरे पास थीटा नहीं है, तो थीटा को थीटा ही रहने देंगे, इनटू cos थीटा माइनस sin बीटा माइनस अल्फा की जगह क्या लिखे, sin अल्फा माइनस बीटा, ये वैसे ये तो ये नेगेटिव यूज होगा, ये नेगेटिव यूज होगा, तो कह सकते हैं इसको प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ p और उसके साथ मल्टीप्लाइड कौन, sin थीटा, sin थीटा, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ध्यान रखिएगा r का x कोऑर्डिनेट है, क्या बोले अभी, x कोऑर्डिनेट ऑफ r, x कोऑर्डिनेट ऑफ r है कितना, x क्यू cos थीटा प्लस xp sin थीटा, ठीक है, इतना। क्या आपको थोड़ा सा बस इतने के बेसिस पे, अभी y नहीं लिखे हैं, लिखेंगे, क्या इतने के बेसिस पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये x2 into m plus x1 into n लिखा है, mx2 plus nx1, ऐसा, ठीक है, और नीचे में क्या होना चाहिए था, m plus n होना चाहिए था, m plus n, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर m और n मिला, m plus n करेंगे, तो नीचे sin theta plus cos theta होना चाहिए था, मगर क्या sin theta plus cos theta 1 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा या थीटा कुछ भी ले लीजिए या बीटा, वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, दिखाते हैं, दिखाते हैं, मान लीजिए जैसे साइन 0, ठीक है, 0 0 आएगा और साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 ये कितना 1/√2 देगा, अगर आप कॉस भी लिखे हैं तो ये भी 1/√2 देगा, जब आप इसको ऐड किए ये रूट टू दिया, सही, वन नहीं है, साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन, ऐड करके वन मिलेगा, मगर ध्यान से यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है, दिखा, तो ये भी नहीं ले सकते, तो जीरो से लेके पाई बाई फोर तक कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहां पे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन हो जाए, सही, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट यूज नहीं हुआ, सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट यूज नहीं हुआ, और अगर सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट यूज नहीं होगा, इसका मतलब यहीं पे आप बोल सकते हैं कि नॉन कोलिनियर होगा,
इसीलिए हम बोले सेक्शन का वेट कीजिए नॉन कोलिनियर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए था मगर यहाँ नीचे में क्या दिया हुआ था, वन। नीचे में क्या दिया हुआ था, वन। आप मेंशन क्या करेंगे, सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू वन, फोर थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई फोर, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स, देयरफॉर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, समझे। इसीलिए बोले ना फाइनल डिसीजन हम लोग किसके बेसिस पे लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे लेंगे, ठीक है, इसके बेसिस। चलिए कहीं कुछ दिक्कत कुछ समझने में, ठीक है। वो एक अलग मेथड था, वो एक अलग मेथड था। अगर वहां पे दोनों बराबर हुआ तो पैरेलल भी हो सकता है और वहां पे कोलिनियर भी हो सकता है, ठीक है। मगर हम आपको अभी क्या बोले कि स्लोप जब आप इक्वल किए, स्लोप जब आप इक्वल किए तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन बनेगा, मगर फाइनल डिसीजन आप किसके बेसिस पे लीजिएगा, सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला अकेला ही काफी इस क्वेश्चन के लिए। देख लीजिए कुछ दिक्कत है कुछ डाउट इसमें समझने में, आदित्य भाई समझ में आया? हाँ ठीक है, दोनों आदित्य है ना इसलिए हमको आरबी और भैप बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ना एक और बात सुन लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन में तब हम प्रेफर करते हैं सेक्शन फार्मूला, क्योंकि देखिए इससे पहले जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाए ये कुछ भी बताएगा तो हमको पैरेलल या फिर कोलिनियर में छोड़ देगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देगा, ठीक है। मगर सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर सेक्शन फार्मूला सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि वो कोलिनियर होगा, और सेक्शन फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसका मतलब नॉन कोलिनियर होगा। तो प्रेफरेंस के तौर पे आप सेक्शन फार्मूला ही ऐसे क्वेश्चन में यूज करें, ठीक है। यस सर, ठीक ठीक और एक क्वेश्चन बोले सर, हाँ पढ़िए पढ़िए। By rotating the coordinate axis, एक बार फिर से। By rotating the coordinate axis through 30 degree angle, ये एक मिनट एक मिनट, ये चीज है ना अभी हम लोग पढ़े नहीं ना, rotation of axis याद है पिछले क्लास में बोले थे? Yes sir, yes sir. अभी हम लोग है ना शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पढ़े, रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं पढ़े, तो आज पढ़ेंगे उसके बाद बता देंगे, क्योंकि पहला ही लाइन आपका वही है ही। या फिर इसके बाद कोई डाउट है क्या और आदित्य इस क्वेश्चन के बाद? यस सर, एक और है सर, वो पढ़िए एक बार। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हां बोलिए बोलिए, if the coordinates of two vertices of an equilateral triangle are 2,4 and 2,6 and 2,6, then the coordinate of its third vertex क्या होगा, यही ना? Yes sir. हाँ yes sir. ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट को सही जगह पे रखें, मतलब जहां तक हो सके एकदम एग्जैक्ट बनाने का कोशिश कीजिए। तो 2,4 बोल रहा है, एक्स में 2 यूनिट और वाई पे 4 यूनिट, इसको यहां मिलाएंगे, ठीक है, ये हो गया 2,4। अच्छा थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं क्योंकि फिर 2,6 काफी ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए यहीं पे, ठीक है, ये 2,4, ये 2,4 है ना, यहां पे 2,4 इस जगह, इसको नाम देते हैं ए, ठीक है, 2,6, तो 2 और इसी पे 6, यानी सीधा यही होगा 2,6, इसको बोलते हैं बी, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा, क्या समझ रहे हैं इस बात को, दिखाते हैं आपको। ए बी ऐसा तो हो सकता है थर्ड वाला इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, तो एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा या फिर एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको सी बोलेंगे इसको डी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मगर ध्यान से देखिए क्या, मान लीजिए यहीं पे है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है, नाम है उसका सी और समथिंग एक्स कॉमा वाई मान लिया है। अब हमको ये पता कि ये डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, सब डिस्टेंस सेम होगा, तो
तो डिस्टेंस से एक रिलेशन मिलेगा। और दूसरा एक और चीज ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, अगर ये वर्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, नहीं 30 देखिए ये 60 है ना, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो 30 डिग्री का एंगल अगर हमको ये लाइन मिल जाए, ठीक ना, ध्यान से ये लाइन अगर एसी मिल जाए, ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आर है तो सी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये डिस्टेंस मिल गया मेरा काम हो गया, क्योंकि थीटा तो पहले ही मिला हुआ है हमको, ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो एसी किसके बराबर, एबी, देख लीजिए एबी का डिस्टेंस कितना, 2 यूनिट, क्या पता चला, नहीं, हाँ, ए था 24 और बी था 26, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 यूनिट आएगा ना, 4 से 6, ठीक है, तो आर मिल गया, अब जाके कोऑर्डिनेट लिखें, R is equals to 2, that is equals to AC, और theta 4 AC, that is equals to 30 degree, उसके basis पे x coordinate of AC is equals to R cos theta, तो 2 cos 30 degree, यानी root 3, ठीक है, और y coordinate of AC, क्या आएगा, 2 sin 30 degree, मतलब 1, ठीक है, चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग के पास कितना है, √3, 1। अब दूसरा सवाल कि अगर इधर चला जाता तो, मान लीजिए इधर चला जाता तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइन था, इधर अगर आ जाता तो इसको डी बोले थे ना, डी, अभी डी, ये था मेरे पास बी, ये था मेरे पास ए, ये डिस्टेंस 2 2 2। अब देख ये वर्टिकल अगर ऐसे खींचते तो ये एंगल कितने का बनाता, 30 डिग्री, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव बनाएगा क्योंकि डायरेक्शन मेरा उल्टा है, नेगेटिव। केवल क्या करना था, थीटा के जगह -30 पुट करना था, तो इधर वाला भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू 2 cos -30 डिग्री और y कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 2 sin -30। तो क्या होगा, ऊपर वाला तो √3 रहेगा, नीचे वाला -1 होगा, ठीक है, ऊपर वाला √3 और नीचे वाला -1 हो जाएगा, तो सी थर्ड वर्टेक्स दो मिलेगा हम लोग को, ठीक है, एक मिला हम लोग को √3, 1 और दूसरा हम लोग को क्या मिला, √3, -1, ठीक है, हाँ बोलिए सर, यहाँ पे अगर हम लोग 150 डिग्री भी ले सकते थे ना, जस्ट -30 पॉजिटिव एक्स से। ओ अच्छा, ये वाला, हाँ ओके सर, वो भी ले सकते, मगर जानते हैं आदित्य, एक मिनट, वो फिर दिक्कत कर जाएगा, और आपका कहना ठीक है, ये -30 है ना, ये 150 कंसिडरेशन होके ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या लिखे थे कि जब कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट होगा तो एंगल हम लोग x से एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा 150 एकदम ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वार्टर ये चेंज हो जाएगा, ये सही है, 150 सही है, 150 सही है, ठीक है, वैसे किसका स्लोप, एबी का, हां तो एबी तो वर्टिकल लाइन है ना, वो तो 90 डिग्री बनाएगा ही, इंफिनिटी जाएगा स्लोप, समझे सर, चलिए उससे हम एसी का स्लोप निकाल सकते हैं ना, m2 - m1 इस वाले फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, यस सर, हाँ ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, मगर क्या होगा जानते हैं, एक पार्ट जो है ना मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, एक पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट में आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिखेगा, दिक्कत ये है, ठीक है, एक पार्ट इन्फिनिटी होगा क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, वर्टिकल है, तो इन्फिनिटी अगर हो जाएगा तो वैसे केस में ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देगा,
और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी देगा तो फिर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, और लिमिट के कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास एटलीस्ट वेरिएबल तो होना चाहिए कुछ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए डायरेक्ट ही डायरेक्ट एंगल मेजर कर लेंगे ना, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। बस उसी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखिए मान लीजिए जैसे कि ये आपका ओल्ड एक्स है और ये ओल्ड वाई है, ठीक है। अब क्या किया गया, पूरे सिस्टम को घुमाया गया किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उठ के इधर आएगा नया एक्स, ठीक है। ये वाई जो है इधर साइड में शिफ्ट होगा, नया वाई, ठीक है, न्यू वाई। अब कितने एंगल से घुमाए इसको, तो एंगल थीटा से इसको रोटेट किया गया, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए। आप पता कर सकते हैं ओल्ड न्यू, ठीक है, इसके बेसिस पर। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब वो स्टार्टिंग में ओल्ड था, ठीक है, तो देखिए रोटेशन के साथ x इज इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा होता है, और इसके साथ में जो y होगा, y कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल्स टू यहां पे x sin थीटा और प्लस y cos थीटा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसके बेसिस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मान लीजिए जैसे ये x है, ये x कैपिटल x, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा x की तरफ, एक कंपोनेंट x की तरफ, ठीक है। तो ये जो x की तरफ कंपोनेंट गया, वेक्टर, वेक्टर का जो रिजोल्यूशन करते हैं ना, कंपोनेंट अलोंग x निकालते हैं, कंपोनेंट अलोंग y निकालते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये x की तरफ जाएगा, कितना, x cos थीटा, जानते हैं ना, ये अगर r है तो इधर कौन जाएगा इस थीटा के साथ में, इधर r cos थीटा जाएगा, ठीक है, r cos थीटा। अच्छा दूसरा, अगर हम लोग इसी एंगल को यहां तक बढ़ा दें, ध्यान से, इसी एंगल को यहां तक बढ़ा दें, बोलिए तो ये एंगल क्या होगा, 135 होगा, नहीं और कुछ, 90 थीटा, एकदम ठीक, ये पाई बाई टू प्लस थीटा होगा। देखिए कैसे, यहां से, ठीक ना, यहां से लेके यहां तक का एंगल मेरा कितना हुआ, पाई बाई टू, और उसमें प्लस किए थीटा, तो पाई बाई टू प्लस थीटा, ये एंगल किसके लिए, वाई के लिए। तो वाई का ये टर्म जो जा रहा है, ये अगर वाई है तो इधर साइड में जो जाएगा, क्योंकि हमको एक्स चाहिए ना, एक्स चाहिए, इधर साइड में निकालना है, इसका कॉम्पोनेंट इस एक्स के डायरेक्शन में निकालना है, तो ये थीटा हमको क्या मिला, पाई बाई टू प्लस थीटा मिला, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसा आएगा। अब कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट जो था, पहला वाला जो पार्ट है, ये एक्स का कॉम्पोनेंट है अलोंग ओल्ड एक्स, ये जो दूसरा पार्ट है ये वाई का कॉम्पोनेंट है अलोंग ओल्ड एक्स, तो दोनों ओल्ड एक्स का है इसलिए एड हो गया, ठीक है, दोनों ओल्ड एक्स में, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, तो ये अगर ए, ये अगर बी, तो ए प्लस बी बोलेंगे ना, टोटल वेक्टर का कॉन्सेप्ट, पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट, उस तरीके से ये कैलकुलेशन हुआ। तो क्लियर हो गया कि एक्स क्यू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा हुआ, किसी को दिक्कत इसमें, फर्स्ट वाले yes, नहीं, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा सबसे पहले, पहला फोर कैपिटल एक्स, फोर कैपिटल एक्स विथ एंगल थीटा, ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसको एक्स वन बोलते हैं, ठीक है, एक्स वन। तो देखिएगा ये एक्स है, ठीक है, यहां पे ये एक्स है, इधर साइड में जो भी जाएगा थीटा के साथ, ये एक्स कॉस थीटा होगा, कंफर्म कीजिए, हाँ कि ना, तो x1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x cos थीटा, एक काम खत्म, ठीक है। दूसरा, दूसरा फोर कैपिटल y विथ एंगल, विथ एंगल, जैसा एंगल पे यहां डिस्कशन किए थे हम लोग, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट
अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इधर जा रहा है y, कोई बात नहीं, हम इसको बस इधर दिखा दिए ताकि आपको मैग्नीट्यूड दिख जाए। ठीक है, y, और ये एंगल कितना बना रहा है इस x के साथ, तो पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां पे एंगल पाई बाई टू प्लस थीटा। अब इसका कॉम्पोनेंट निकालना है अलोंग x, स्मॉल x, तो ये क्या होगा, y cos थीटा जो एंगल है वो पूरा यहां पुट होगा। cos पाई बाई टू प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई बाई टू प्लस थीटा। तो cos पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये क्लियर है? नहीं? यस सर। तो y माइनस साइन थीटा, तो उसी को हम क्या लिखें कि यहां से हमको जो x2 मिलेगा दैट इज माइनस y साइन थीटा। अब देखिए इसमें समझने वाला बात, एक कॉम्पोनेंट अलोंग x गया, दूसरा कॉम्पोनेंट भी अलोंग x गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिंपल वेक्टर एडिशन होगा। yes, sir. ठीक है, बस दोनों को ऐड किए यानी x1 प्लस x2 किए तो जाके कंप्लीट x मिला। ध्यान से देखिए, ये पार्ट मेरा x1 है यहां और ये वाला पार्ट यहां से यहां तक मेरा x2 है, दोनों को जब ऐड किए तो कंप्लीट x मिला। अभी क्लियर हुआ आदित्य? ठीक, y के लिए खुद से, ठीक ना, आप बताते चलिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं y के लिए खुद से, y के लिए फॉर y, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अगर हम y1 का बात करेंगे, ठीक है, y1 का बात करेंगे तो हमको किधर चाहिए, वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, किधर चाहिए? वर्टिकल चाहिए सर। वर्टिकल चाहिए। वर्टिकल अगर हमको चाहिए तो ध्यान से देखना है कि सबसे पहले x का निकालेंगे, ठीक है, x का, तो x मैग्नीट्यूड और ये y के साथ एंगल कितना बना रहा है, y के साथ एंगल सोच के बोलिए, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस, अब y का निकालेंगे, इस y का, x का हो गया, अब इस y का अलोंग y एंगल बोलिए क्या होगा, थीटा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, y के अलोंग निकाल रहे हैं ना हम लोग। यस सर। हां, तो y के अलोंग अगर निकाल रहे हैं तो ये cos थीटा, सिंपल। यस सर। अब बोलिए cos π/2 - थीटा किसके बराबर, sin थीटा के बराबर। तो y1 is equals to x sin थीटा और प्लस y cos थीटा। क्या ये सेकंड वाला पार्ट समझे, y1 y ही कहते हैं इसको, ठीक है, ये x sin थीटा प्लस y cos थीटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, दोनों क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इतना लंबा याद नहीं रखना है कि ऐसे बनता है, हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, जिसमें क्या पार्ट है, कैपिटल x कैपिटल y न्यू एक्सिस है, उसका कोऑर्डिनेट होगा न्यू कोऑर्डिनेट, और ये जो थीटा है ये एंगल, जितने एंगल से घुमाया गया, जैसे कि आज आप एक डाउट में बोले कि x एक्सिस रोटेटेड बाय 30 डिग्री, बस वही चीज है ना, ये थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को जरूरत है थीटा से और उसके साथ में कोऑर्डिनेट से। दूसरा एक और इससे उल्टा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, when it came back to original position वापस आने का मतलब क्या हो गया, कि इसको घुमाए थे थीटा, अब इसको वापस लेके आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन मेरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, उल्टा होगा, डायरेक्शन मेरा उल्टा होगा। वैसे केस में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, ध्यान से, यहां पे साइन लगाना तो साइन का केवल साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये साइन माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं, डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन कैसा है, क्लॉक, अगर क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा तो जो थीटा है वो माइनस थीटा में कन्वर्ट होगा, और माइनस थीटा का इफेक्ट केवल साइन के ऊपर पड़ता है, कॉस के ऊपर नहीं पड़ता। तो उसके अकॉर्डिंग सोच के जो एक्स होगा, देखिए इससे पहले ओल्ड निकाल रहे थे, अब न्यू निकालेंगे, ठीक है, जो ओल्ड न्यू होगा, न्यू उसके साथ में यहां पे आएगा एक्स, वहां देखिए कॉस थीटा और माइनस साइन का प्लस साइन y sin थीटा, y दैट इज इक्वल्स टू वहां पे माइनस x
साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। ये जब रिटर्न बैक होगा तब, और अगर किसी एंगल से रोटेट किया गया वैसे केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वैसे केस में आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कहां यूज होगा? इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसको लेके चलेंगे, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसको लेके चलेंगे। क्या आप इस बात को समझे? ठीक है, दो चीज है आपके पास, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। ये सब समझाने के लिए केवल था। आपको एक्सिस बनाना है, आपको एक नंबर में इसको नोट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दो नंबर में आपके पास ये होना चाहिए इन क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, इतना लिखने के बाद पहले आप फिगर बनाएंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद अपने समझने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहीं कुछ दिक्कत है समझने में? नहीं, वो जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है, कि एक पॉइंट था 3, 5, अब इसका नया कोऑर्डिनेट बताइए जबकि रोटेशन हुआ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री से, समझे? तो ये एक्स के जगह ये वाई के जगह पुट होगा, तो क्या बोला कि इसका रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से, या सिंपल रोटेशन हुआ 30 डिग्री से, तो प्लस भी बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। वैसे केस में इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो एक्स और वाई की जगह 3, 5 पुट होगा, ठीक है, और थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री पुट होगा, ऐसे निकालेंगे। अगर बोला कि -30 डिग्री से घुमाया गया तो ये कौन सा रोटेशन चला जाएगा? क्लॉकवाइज। तो जाके x के जगह y के जगह 3, 5 ही पुट होगा, x और y के जगह 3, 5 ही पुट होगा, मगर थीटा के जगह क्या आ जाएगा? -30। ठीक है, नोट कीजिए। क्या बोल रहा है ना कि अगर ऐसा रोटेशन करेंगे तो इस वाले इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नया इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, चेंजेस मतलब नया चाहिए हमको। ठीक है, नया इक्वेशन क्या होगा? आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताया ना एंटी क्लॉक, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स को लिखेंगे कि वो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसके साथ में जो वाई कोऑर्डिनेट होगा That is capital X sin theta plus capital Y cos theta, समझे? ऐसा। अब इस चीज को केवल उठा के यहाँ पे पुट करना है, जब थीटा के जगह मेरे पास कितना हो 30 डिग्री, ठीक है? तो with theta is equals to 30 degree, हम लोग X को लिख सकते हैं ये capital X cos 30, cos 30 मतलब root 3 by 2 minus capital Y sin 30 1 by 2, और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग कि कैपिटल x sin 30 1/2 और प्लस y कैपिटल y into कैपिटल y into cos 30 मतलब √3 by। ये चीज उठा के इक्वेशन में पुट करना है, पुट इन गिवन इक्वेशन। जब गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखा जा सकता है x के जगह पे √3x/2, ठीक है, और प्लस माइनस y by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 root 3, यहाँ पे x into y है, ये रहा आपका x और y, लिख लीजिए √3x/2 माइनस y by 2 और इसके साथ into में x by 2 और प्लस √3y/2,
ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना एक्स बाई टू और प्लस रूट थ्री वाई बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो इक्वेशन आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, ऐसा ही क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। या तो इक्वेशन चेंज करो, नहीं तो कोऑर्डिनेट निकालो, दो ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है इससे। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इफ एक्सिस टर्न सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा, एक मिनट, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, नॉट लैम्डा, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, इसमें ट्रांसफॉर्म होता है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया और क्या समझ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। पढ़ लिए, डिमांड किस चीज का है, थीटा, सबसे पहला थीटा क्या होगा, थीटा क्या, ठीक है। दूसरा ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, तो x के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा, आप y के जगह क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये जो दो पार्ट है ना, इसको उठा के ओल्ड वाले में पुट कीजिए, ठीक है, ओल्ड वाले में पुट करेंगे x और y के जगह, और उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो देखिए कैसे क्या कर सकते हैं, वो चीज समझिएगा थोड़ा, हाँ बिल्कुल यही चीज यहां लेके आना चाहते हैं, ठीक ना, ताकि इसको इक्वल कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू इधर भेजेंगे, माइनस इधर लेके आएंगे, उस चीज को देखिएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला काम हो गया। अब इज इक्वल टू कितना, तो देखिए 2 इधर आया माइनस इधर आया, तो माइनस टू एक्स वाई यानी x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और इसके साथ इनटू में y x sin थीटा प्लस y cos थीटा। क्या किसी को दिक्कत है, ये जो पुट किया गया, क्या किए ना, ऊपर वाला था x square minus y square equals to a square, नीचे वाले में एडजस्टमेंट किए माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया विद दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वही काम किया गया। अब एक इक्वेशन है जो सॉल्व करना है हमको, ठीक है, एक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, तो ध्यान से एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो cos 2 थीटा हो जाएगा इसके बाद, y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता चला कि अगर y स्क्वायर कॉमन ले लें, फिर से मिला हमको sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा कंटिन्यू है माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा, इधर में एक और चीज, माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा, और यहां भी माइनस टू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस फोर एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिला, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को एक बार देख ले, ध्यान दे इस पे, तो माइनस टू एक्स कॉस इंटू एक्स साइन, तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड सो ऑन, इसके आगे और भी होगा, मेरा काम यही तक था, ठीक है, इतने पे हमको आंसर निकालना है और निकल भी जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, आप यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ठीक है, और यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बस इतने से काम होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला ऊपर का लाइन हटा देते हैं क्वेश्चन केवल, ठीक है,
बस इक्वेशन सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अब केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देखिए उधर साइड से क्या मिला, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और इधर साइड से क्या मिला, माइनस 2 sin थीटा। देखिएगा माइनस 2 sin थीटा ये मिला आप लोग को, ठीक है। इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, इतना ही टर्म ना हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर का, तो माइनस tan 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा, आ जाएगा नहीं, यस सर हो जाएगा सर, tan इनवर्स लगा देंगे, tan इनवर्स, तो कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए और कहीं पे वैसा टर्म आपको नहीं मिलेगा, मतलब x स्क्वायर मिला ना, तो अब यहां पे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हमको x स्क्वायर नहीं मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए एक बार माइनस, तो प्लस 2y स्क्वायर, y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, वो फिर से यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए आपको cos 2 थीटा, तो उसके साथ इक्वेट कीजिएगा फिर से आपको वही टर्म मिलेगा। तो tan 2 थीटा मिला माइनस 1/2। अब उसके बेसिस पे आपसे sin पूछे, cos पूछे, कुछ भी पूछे या थीटा पूछे, आप आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो थीटा होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स माइनस 1/2। आप इस नेगेटिव को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इफ 9x स्क्वायर माइनस 2√3xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10 चेंजेस टू 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब तक कांस्टेंट आप सेम नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो बोलिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड फर्स्ट वाले इक्वेशन, फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, आप एकदम ठीक है, फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे 9/2 आएगा, ये √3 आएगा, ये 7/2 आएगा। आप सोचिए ना कि सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, देखिए कितना स्ट्रेट आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, एकदम कर सकते हैं आप, इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर क्या है ना कि जो फ्रैक्शन होता है थोड़ा उसको क्वेश्चन में लाने का कोशिश कम कीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रेफर्ड है कि सेकंड वाले को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे, अब जाके ये 10 10 के बराबर हो गया। आप सिंपल यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए और उसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म, उसको सॉल्व करके थीटा निकालना है, समझे, छोटे में एकदम। यहां पे x के जगह पे आप पुट करेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ठीक है, उसके साथ में आप xy के जगह पुट किए और y स्क्वायर के जगह पे पुट किए, हर जगह से जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा लेफ्ट वाला, ठीक है, वो राइट वाले 3 के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3, यही काम करना है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा मगर यही काम करना है, करके देखिए आंसर बताइए एक बार, चेक कीजिए। ये यहां पे कोफिशिएंट 3 नहीं 6 होगा, 6 सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं 9x स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं 9 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल हम इसका स्क्वायर किए तो उसमें हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा मिला, ठीक। दूसरा जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा 7 से मल्टीप्लाईड होगा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा अब xy से मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इन दोनों को, ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, cos into sin, वो मल्टीप्लाई होगा माइनस 2√3 से, माइनस 2√3 sin into cos, ये हुआ x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए हम लोगों को, केवल x स्क्वायर से मतलब है, हम तो यहां लिख दिए कि हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 6 करके सॉल्व करना है, तो ज्यादा लंबा नहीं। देखिए x स्क्वायर लिखा ना
मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो इसके बेसिस पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट cos स्क्वायर आएगा, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे y का, तो x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल sin स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई हो गया। xy में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट sin into cos मिल गया। ऐसे निकालना है, केवल एक कोफिशिएंट पे काम करना है, पूरा लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आया मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, that should be equals to 6। अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो जितना काम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। सोच के देखिए, 9 में से 7 बाहर निकाल लिए और 2 को छोड़ दिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, इससे क्या फायदा, यहां से यहां तक 7 हो गया, ये 7 हो गया 7, ठीक है। जैसे ये 7 हुआ, आप उधर भेज दें, -1 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -2√3 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा, that is equals to minus। आप उसको चाहे तो इधर लेके आ जाए, उसके बाद सॉल्व कर ले। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस बात को समझिए। मेरे पास यहाँ पे sin cos दोनों है, ठीक है, मेरे पास sin cos दोनों है। अगर हम इस 1 को इधर ला दें, तो देखिए क्या आएगा, 1+2 cos स्क्वायर थीटा। किसी का फॉर्मूला होता है क्या, cos 2 थीटा, और इसमें से देखिए -√3 2 sin थीटा into cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ब्रैकेट वाला, sin 2 थीटा। तो क्या लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा -√3 sin 2 थीटा is equals to 0। अब इसके बेसिस पे आप इतना समझ रहे हैं, sin by cos 1/√3 देगा, यानी tan 2 थीटा is equals to 1/√3, तो 2 थीटा कितने के बराबर, π/6, तो थीटा किसके बराबर, π/12, थीटा किसके बराबर, π/12। क्लियर हुआ ये चीज, थीटा मेरे पास π/12। हां, केवल कोफिशिएंट को ही लेके काम, फिर से एक बार देखिए, जितना काम है ना उतना ही लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले x स्क्वायर मतलब x cos थीटा - y sin थीटा का होल स्क्वायर, ये 9 से मल्टीप्लाई था, हम लिख दे रहे हैं -2√3 x के जगह x cos थीटा - y sin थीटा, और y के जगह x sin थीटा + y cos थीटा, y के जगह + 7y स्क्वायर, यानी कि x sin थीटा + y cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतने में से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए हमको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सोचिए इसका जब a माइनस b होल स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर का एक ही टर्म आएगा, x स्क्वायर का एक ही टर्म आएगा, और वो कौन आएगा, यस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, तो 9 cos स्क्वायर थीटा। अब हम आपको सीधे यहां ला रहे थर्ड पे, a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर का एक ही टर्म आएगा, और वो होगा 7 sin स्क्वायर थीटा। इसका काम हो गया। अब इसमें देखिए दो टर्म मल्टीप्लाई होगा, 4 देगा, कौन कौन देगा, सुनिए, x स्क्वायर देगा, xy देगा, yx देगा, और y स्क्वायर देगा। तो x स्क्वायर का कितना टर्म आया, 1, कौन सा, ये cos थीटा into sin थीटा, किससे मल्टीप्लाई होके, -2√3 से मल्टीप्लाई होके, sin थीटा into cos थीटा, ठीक है, यही है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और राइट साइड में तो अपने पास था ही क्लियर कट 6। अब क्लियर हुआ कैसे आया, एक बार केवल आपके समझने के लिए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं, थोड़ा ट्राई करके बोलिए, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से 9 sin स्क्वायर थीटा, बोलते जाइए, फिर यहां से -2√3 इसको मल्टीप्लाई किया sin थीटा cos थीटा, और यहां से y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 cos स्क्वायर थीटा, यहां से + 7 cos स्क्वायर थीटा, देखिए मिल गया ना y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, जब थीटा निकालना होगा तो उसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को केवल कैलकुलेट करके और उसको इक्वेट कर दिया जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व होगा, और क्योंकि थीटा का डिमांड किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर लिया।